मैं अब जा रहा हूँ गाड़ी पिक करने। यार तो यार सीन ये हुआ है, आपकी गाड़ी के ऊपर जो है ना अभी पॉलिश लगी है, लेकिन पेंट की फवारा आ गई है। चला यार बहुत मजा आया इवेंट पे यार, बहुत ही कमाल था। शक्ल देखी अपनी झाड़ू जैसी। जुम्मा पढ़ने जा रहा हूँ, 5 मिनट रह गए, जुम्मे के बाद मिलते हैं आपसे। कुछ काम वगैरह करने हैं, और आज का सीन ये है कि आज यूनिवर्सिटी में है डीजे नाइट और कंसर्ट, तो वहाँ चलते हैं और एंजॉय करेंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। अच्छा तो यार ऊबर मैंने मंगा ली है और मैं अब जा रहा हूँ गाड़ी पिक करने। गाड़ी पिक करके हम चलते हैं यूनिवर्सिटी और चलते हैं, देखते हैं। तो यार मैं पहुंच गया हूँ इधर, अब देखते हैं क्या पोजीशन है गाड़ी की। वो सामने खड़ी हुई चमक तो रही है। यार तो यार सीन ये हुआ है, आपकी गाड़ी के ऊपर जो है ना अभी पॉलिश लगी है, लेकिन पेंट की फवारा आ गई है गाड़ी के ऊपर। वर्कशॉप गई हुई थी, वहाँ पे गाड़ी पेंट हो रही थी मेरे ख्याल से, तो पूरी गाड़ी पे ना फ्रंट पे तो फवारा आ गई है, पूरी गाड़ी का नहीं पता, ये नज़र आ रही होगी आपको। अब ये फिर तब तक नहीं जाएंगे जब तक गाड़ी ऊपर पेपर नहीं लगेगा और कंपाउंड नहीं होगी फिर से, और कोटिंग मेरे ख्याल से गाड़ी पे चढ़ी है कि नहीं चढ़ी है मुझे नहीं पता। वैसे गाड़ी सही हो गई थी लेकिन काम फिर ख़राब हो गया। तो यार अब सीन ये हुआ है कि वो जो निशान थे वो चले गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस पर हमने मारी क्लेबर, नोमी दिखा क्लेबर। ये क्लेबर होती है टोनियन की, क्ले बार लुब्रिकेंट होता है, इसके साथ आप गाड़ी कोई भी घर पे भी इजीली भी कर सकते हैं। तो इस पे जो पेंट के निशान थे वो सारे चले गए हैं, पूरी गाड़ी पे सफ़ेद फवारा आ गई गाड़ी पेंट की। तो जैसी गाड़ी होती है फिर मैं दिखाता हूँ आपको। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये निशान है, और ये भी यहाँ पे क्ले बार मारेगा, तो मैं फिर आप लोगों को दिखाता हूँ क्या चीज़ें गलती हैं। तो यार ये वही जगह जहाँ पे वो निशान मैंने दिखाए हैं भी आपको, और ये देखें सारे चले गए इससे, और ये गाड़ी देखें आप। तो ये गाड़ी हो गई है, सिर्फ कोटिंग रह गई, अब कोटिंग करने लगे हैं, मैं उसके बाद आपको दिखाता हूँ दोबारा से गाड़ी। अब आप देख सकते हैं स्क्रैचेस गाड़ी पे कितने हैं। काली गाड़ी का ना यार यही मसला है, इसको साफ रखना बहुत मुश्किल है। स्टूडियो से निकल आया हूँ गाड़ी लेके और यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, तो उधर कॉन्सर्ट हो रहा होगा, देखते हैं चल के क्या सीन है उधर।
करना है। बहुत मजा आया इवेंट पे यार, बहुत ही कमाल था। बताओ तुम्हें कैसा लगा? यार मैंने तो सही वाला एंजॉय किया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यार हुआ ये है कि मैं कहीं काम कराने लग गया था गाड़ी का, तो माशाल्लाह से जब मैं इधर पहुंचा हूं तो सब खाली हो गया हुआ था। कहाँ जाना यार? लेक सिटी चेक करता है कुछ अंडे वाला बर्गर। हाँ, मुझे अंडे वाला बर्गर। ये हुआ है अभी के मैंने अपने दोस्त के ना मोबाइल से इंस्टा पे पिक्चर अपनी लगा दी थी और उस पर अपलोड हो गई और ये पिक्चर है और तकरीबन 50 लोगों ने पिक्चर भी देख ली। मेरे फैंस को क्या बोलना चाहोगी तुम? मैं आपके फैंस को बोलना चाहूंगी बहुत बुरी चॉइस है, बहुत बुरी चॉइस। क्यों, तुमने मुझे चूज किया है जो तुम्हें पता? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। खाना आ गया है, डॉग फूड खाती है ये। पकड़ लो। शक्ल देखी अपनी झाड़ू जैसी, ये इसके बालों को मैं झाड़ू कहता हूँ। ये झाड़ू। और बहुत भूख लग रही है यार मुझे, कौन से फेस फोर वाली मार्केट में चलते हैं क्या? अंडे वाला खाएंगे नहीं? तुम बस एक चीज के पीछे पड़ गई, तुमने वही खाना, जब तक नहीं खाओगी भूल ही जाओगे अंडे वाला। नहीं मैंने बाल लिए अपना, झाड़ू दिखाओ। मैंने बाल लिए। ओए ये क्या कहते हैं, मुझे झाड़ू चाहिए, अपने बाल ही काट दो, मैं अपने कमरे में लगा लिया करूँ। टाइम हो गया 11:30 और हम आए हैं डेली दिल्ली। तो यार खाना वगैरह हमने खा लिया, अब हम निकल रहे हैं घर और ये व्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। आ जाओ तुम, आ जाओ। तो ये व्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन भी दबा देना भाई। ओके अल्लाह हाफिज़। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, 5 मिनट रह गए। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, 2 मिनट रह गए। तो वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग, तो वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग बॉयज, तो वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। भूख लग रही है यार बहुत ज़्यादा। कहाँ चलो यार? फेस फोर वाली मार्केट में चलते हैं, डेली डेली चलते हैं, लंदन कोर्ट यार्ड यार, मॉल में चलते हैं। शक्ल नहीं मॉल में कराओ, शक्ल नहीं ये मैंने डालना है, मेरी शक्ल नहीं है तुम्हारी मॉल में। इसको खालिद पे उधर मालिक। अच्छा तो यार एक चीज़ जो मैंने सिर्फ आप लोगों को क्लियर करनी थी, काफ़ी लोग मेरे से सवाल कर रहे थे कि जी भाई ये वही करोला है जो पहले मैंने मॉडिफाई भी की थी, अब मैंने इसको स्टॉक कर दिया है और ये गाड़ी फॉर सेल है। और एक चीज़ मैं अपने व्लॉग्स में ऐड कर रहा हूँ, तो किसी ने कोई भी सवाल पूछना हो ये व्लॉग कल मैं अपलोड कर दूँगा और उसके बाद मैं एक स्टोरी लगा दूँगा अपने इंस्टा पे, वहाँ पे आप लोग मेरे से सवाल पूछ सकते हो। कुछ क्वेश्चन जो मुझे अच्छे लगेंगे उनका मैं जवाब दूँगा अपने नेक्स्ट व्लॉग के एंड में।